हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि एक प्लेन है जो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। एक पार्टिकल को इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है और वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन। इसका मतलब है कि पार्टिकल को यहां से फेंक रहे हैं तो वो प्लेन को यहाँ कहीं हिट करना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको भी तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है। तो इंक्लाइंड प्लेन के केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है उसका जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना होता है वो होता है 2u स्क्वायर। ये इसके बाद होता है हमारे पास कॉस थीटा। ये क्या होता है, कॉस थीटा, फिर होता है साइन थीटा माइनस अल्फा, और नीचे हमारे पास होता है जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसमें थीटा अल्फा क्या है ये भी आप समझ लें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तो ये तो अल्फा ही है हमारे पास, ठीक है, हमने ऐसे फेंका है। और ये जो पूरा का पूरा एंगल दिख रहा है ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ पर थीटा माना गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इस वाले क्वेश्चन के केस में यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो वैसे तो थीटा की जगह फिर मुझे बीटा यूज करना पड़ेगा ताकि आपको अलग नाम दिखे। ये बीटा यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर बीटा है। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं इससे कंपेयर करूं तो बीटा हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, अल्फा हमारे पास 30 डिग्री है, यू हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पुट करनी है। पुट करने से पहले इसकी एक जरूरत पड़ेगी आपको, किस चीज की, देखो जो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि साइन 45 माइनस 30 जो है, साइन ए माइनस बी का अगर हम फॉर्म लगाए यहाँ तो वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। साइन 45 पता ही है आपको, कॉस 30 पता है, तो ये आ जाएगा √3/2। sin 31/2 और ये 1/√2, तो ये 1/√2। तो सॉल्व कर रहे हैं तो √3 - 1/√2 ये आएगा हमारा, ये चीज ध्यान में रखना। तो चलिए अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 2 रहेगा, उसके साथ यू स्क्वायर है तो r=2। फिर क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर, यू की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या लिखा है, कॉस बीटा, बीटा मैं आपको बता चुका हूं 45 डिग्री है, तो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा मतलब कॉस 45। उसके बाद है साइन 45 - 30, आप चेक कर लें यहां पर। उसके बाद ये देखो बीटा की जगह 45, अल्फा की जगह 30, और नीचे है जी कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या है, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है 30। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहाँ आया, तो हम किसी वीडियो में इस चीज को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ये भी हमें डेरिवेशन में आना चाहिए। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 45 - 30 हमने कर लिया, ये होता है √3 - 1/√2। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और कॉस 30 होता है √3/2 स्क्वायर के चक्कर में, ये हो जाएगा 3/4। ये समझ में आ गया होगा। अब ये 4 ऊपर आ जाएगा अगले स्टेप में, तो देखिए हमें क्या मिलता है, ऊपर मिल गया 8, ऊपर मिल गया √3 - 1, ऊपर मिल गया 4, नीचे क्या मिला, ये तो 30 मिल गया। √2 × √2 2 होता है, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 4 मिल गया। तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया पहली चीज, तो 2 4 8 और ये 2 15, तो हमें मिल गया 4√3 - 1/15। अब यहां पर √3 की वैल्यू 1.73 होती है, इसको 1 से माइनस करेंगे तो 0.73, और नीचे हमारे पास 15 है। तो अब आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.194 आ रहा है, ठीक है, और ये मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 19.4 मीटर आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें 19.4 मीटर तो नहीं है,
हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये सेंटीमीटर हो गया, वो है 20, तो ये 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया।